मैंने अक्सर लोगों को अपने दोस्तों और घर वालों के सामने अपनी बीवियों की तौहीन करते देखा है, अपनी बीवियों पर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए देखा है और हमेशा अपनी बीवियों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो इस रिश्ते में कमतर हैं क्योंकि हम मर्दाना मुआशरे में रह रहे हैं। शोहरों के पास बीवियों से ज़्यादा हकूक हैं, इसलिए शोहर की तरफ से तशद्दुद की इजाज़त है। शोहर नौकरी और तालीम की इजाज़त नहीं देते और कई तरीक़ों से शोहर अपनी बीवियों को बताते हैं कि वो बरतर हैं। शोहरों की सबसे बड़ी धमकी ये होती है कि मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी औरत से शादी करूंगा, वरना मैं दोबारा शादी भी करूंगा और तुम्हें कभी तलाक भी नहीं दूंगा। किचन और किचन का काम हमेशा लड़कियों से जुड़ा होता है और लड़कों को ये काम करना तौहीन लगता है। अक्सर लोगों का कहना होता है कि जो लड़की खाना पकाना जानती है वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचा सकती है, और ये बात सच भी हो सकती है, लेकिन समझौता यक तरफा नहीं होना चाहिए। शादी की कामयाबी दो हाथों में होती है, एक शोहर और एक बीवी। शादी की कामयाबी की जिम्मेदारी सिर्फ बीवी की नहीं होती। जो इस्लाम मर्द को चार शादियों की इजाज़त देता है, वही इस्लाम आपको बीवियों के हकूक पूरा करने का हुक्म भी देता है। अगर सुन्नत के हिसाब से चलें तो बड़ी उम्र की औरतों से शादी करना सुन्नत है, तलाक याफ्ता से निकाह करना सुन्नत है, बेवा से शादी करना सुन्नत है। घर के कामों यानी खाना पकाने, सफाई सुथराई, कपड़े धोने वगैरह में औरतों की मदद करना सुन्नत है। मोहब्बत के इजहार के लिए अपनी बीवी को खुद खाना खिलाना भी सुन्नत है। अपनी बीवी से मोहब्बत, तारीफ़ और एहतराम का ज़बानी इजहार करना भी सुन्नत है। उसकी गलतियों को माफ़ करना सुन्नत है और उनसे माफ़ी मांगना भी सुन्नत है। अपनी बीवियों के लिए अपने आप को खुशगवार रखना और उन पर गुस्सा ना करना भी सुन्नत है। अपनी बीवी के जज्बात जानने की कोशिश करना और ज़रूरत पड़ने पर उसे तसल्ली देना और उसका ख्याल रखना भी सुन्नत है। अपनी बीवी के साथ जिंदा दिल होना और एक साथ तफरीही वक्त गुजारना सुन्नत है। बीवी की गोद में टेक लगाना और आराम करना सुन्नत है। अपनी बीवी को खूबसूरत नामों से पुकारना सुन्नत है। ये भी सुन्नत है कि उसके निजी मामलात को ख़ानदान के दूसरे अफराद या दूसरों के सामने जाहिर ना करें और सबके सामने तंज ना करना भी सुन्नत है। अपनी बीवी के वालदैन से मोहब्बत और एहतराम करना भी सुन्नत है। उसे तहाइफ़ से नवाजना भी सुन्नत है। इस्लाम मर्दों और औरतों को बराबर के हकूक देता है। गलत हमेशा गलत होता है, चाहे लड़की हो या लड़का। अपने आप को दुरुस्त मत बनाओ क्योंकि आप मर्द हो। पहले एक बीवी से सुन्नत अदा करने की कोशिश करो और उसके हकूक फिर किसी और के बारे में सोचो। अल्लाह ताला हम सबको एक अच्छा इंसान और मुसलमान अपने जीवन साथी के तौर पर नसीब फरमाए और हमें अच्छा इंसान और मुसलमान बनने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।